CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान भाग 1 ऑडियो बुक अपनी जबान छठी जमात के लिए। आइए सुनते हैं अपनी जबान भाग 1 का दूसरा सबक। सबक नंबर 2, एक खत। पंडित जवाहरलाल नेहरू का खत अपनी बेटी इंदिरा के नाम। सफा 5, नैनी सेंट्रल जेल, अलाहाबाद, 26 अक्टूबर 1930 ईस्वी। प्यारी बेटी, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रही हैं। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। ये वो चीजें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफरत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं, तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। कोई 1300 बरस गुजरे के मुल्क चीन से एक सैयाह इल्मो दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। उसका नाम ह्यून सांग था। वो शिमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहां पहुंचा। उसे इल्म का इतना शौक था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाईं और हजारों खतरों का मुकाबला किया। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। उसका ज्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाकई थी। उस शहर को अब पटना कहते हैं। ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, हत्ता कि उसको फाजले कानून बुद्ध मत का खिताब दिया गया। फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफर किया। सफा नंबर 6, इस अजीमुशान मुल्क के बाशिंदों को देखा भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। इसके बाद उसने अपना सफरनामा लिखा। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो इस वक्त मुझे याद आई। ये एक शख्स का किस्सा है जो जनूबी हिंद से शहर करना सोना में आया। ये शहर सूबे बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था। ह्यून सांग ने सफरनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे रहता था, सर पर एक जलती हुई मशाल रखता था, हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ अकड़ कर चलता था और इस अजीबो गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। जब कोई उससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट ना फट जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांध रखी हैं। और चूंकि तुम सब लोग जिहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सर पर मशाल लिए फिरता हूं। हां, तो मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है कि बहुत ज्यादा इल्मो हिकमत से फट जाऊं, इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांधने की जरूरत नहीं है। और ये भी जानता हूं कि मेरी अक्ल मेरे पेट में नहीं है, बल्कि जहां कहीं भी हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। और जब मेरी अक्ल महदूद है, तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। इसीलिए ये जानने की कोशिश करता हूं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए।
और इस बहस व मुबाहिसे से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है, इसलिए मैं नसीहत नहीं करूंगा। फिर क्या करूं, खत बातों की जगह नहीं ले सकता क्योंकि ये यक तरफा होता है। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूं और वो तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निकलो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूं और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं? तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आजादी की जिद्दोजहद को देख रही हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी मां है। अगर तुमको कभी किसी बात में शुबा हो और या तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको मां से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। खुदा हाफिज बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, जवाहरलाल नेहरू। सफा नंबर 7। मानी याद कीजिए। नैनी जेल, इलाहाबाद की एक जेल। सैयाह, जगह जगह सैर करने वाला, मुल्कों मुल्कों घूमने वाला। इल्म, वाकफियत, मालूमात। दानिश, अक्ल, समझ। नालंदा विद्यापीठ, पुराने जमाने की एक यूनिवर्सिटी जो पाटलिपुत्र पटना के करीब थी। पाटलिपुत्र, मौजूदा नाम पटना। फाजिले कानून, कानून को जानने वाला, माहिरे कानून। बुद्ध मत, बुद्ध मजहब। अजीमुशान, बड़ी शान वाला, आला। सफरनामा, वो तहरीर जिसमें सफर के हालात बयान किए गए हों। शुबा, शक। अंदेशा, खतरा, डर। जिहालत, ना जानना, इल्म का ना होना, ना वाकफियत। तरस, रहम। मशाल, वो डंडा जिसके एक सिरे पर कपड़ा लपेट कर जलाया जाता है और उससे रोशनी की जाती है। चिराग, इल्म व हिकमत। अक्लमंदी, दानिशमंदी। गुंजाइश, समाई, जगह। महदूद, हद के अंदर, तंग। बहसो मुबाहिसा, बहसो तकरार। जिद्दोजहद, सख्त कोशिश। सफा नंबर 8। सोचिए और बताइए। 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? 2. पंडित नेहरू ने ये खत किसके नाम और कहां से लिखा? 3. जवाहरलाल नेहरू ने नसीहत करने का क्या तरीका इख्तियार किया? 4. चीनी सैयाह का क्या नाम था? 5. चीनी सैयाह हिंदुस्तान क्यों आया? 6. चीनी सैयाह को इल्म हासिल करने के लिए किन हालात से गुजरना पड़ा? 7. हिंदुस्तान में चीनी सैयाह का ज्यादा वक्त कहाँ गुजरा? 8. ह्यून सांग ने अपने सफरनामे में एक शख्स को अजीबो गरीब क्यों कहा है? 9. इस वाकये का जिक्र करके पंडित नेहरू अपनी बेटी को क्या सबक देना चाहते थे? सफा नंबर 9। खाली जगह को सही लफ्ज से भरिए। 1. खाली जगह का ताल्लुक तो दिल से है। 2. चीन का एक सैयाह खाली जगह की तलाश में हिंदुस्तान आया। 3. खाली जगह पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। 4. इसको खाली जगह का खिताब दिया गया। 5. इसके बाद उसने अपना खाली जगह लिखा। 6. ये शख्स अपने पेट के चारों तरफ खाली जगह बांधे रहता था। 7. मैं हर वक्त अपने सर पर खाली जगह लिए फिरता हूँ। 8. अपने मुल्क की आज़ादी की खाली जगह को देख रही हो।
यहाँ दिए हुए जुमलों को सही तरतीब से लिखिए। एक, मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। दो, मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेजूं? तीन, और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं? चार, मुल्क चीन से एक सैयाह इल्म दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। पांच, तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। छह, उसका ज्यादा वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाके थी। सात, उसके बाद उसने अपना सफरनामा लिखा। आठ, ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। सफ़ा नंबर 10। यहाँ दिए हुए जुमलों को सही तरतीब से लिखिए। सैयह, अजीम उशान, इल्मो हिकमत, बहसो मुबाहिसा, मशाल। लिखिए। अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें इस खत की कहानी का जिक्र हो। याद रखिए, पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। ये शहर बिहार की राजधानी है। गौर करने की बात, खत को मक्तूब भी कहते हैं। इसका ताल्लुक दो लोगों से होता है, एक खत लिखने वाला जिसे मक्तूब निगार कहते हैं और जिसे खत लिखा जाए वो मक्तूब आलिया कहलाता है। इस खत में मक्तूब निगार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मक्तूब आलिया उनकी बेटी इंदिरा हैं। इसी के साथ अपनी ज़बान भाग एक का दूसरा सबक यहाँ ख़त्म हुआ। इसके बाद सबक तीन आता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।